बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 3, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आई प्रे टू अल्लाह ताला मे प्रोटेक्ट अस ऑल। ओके क्लास 3, टुडे वी डू आर साइंस वर्क। ओपन योर साइंस बुक्स। आर यूनिट नंबर इज 5, द एनवायरनमेंट। इन आर प्रीवियस लेक्चर वी रीड अबाउट हैबिटेट एंड हैबिटेट्स ऑन अर्थ। वी रिवाइज आर प्रीवियस लेक्चर। वट इज़ अ हैबिटेट? वो प्लेस जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसे हम हैबिटेट कहते हैं, जहाँ पर उन्हें प्रॉपर लाइट, एयर, वाटर एंड शेल्टर प्रोवाइड होते हैं। मूव ऑन नेक्स्ट पेज। आपके कुछ हैबिटेट बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, और कुछ बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं, और कुछ बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं। मूव ऑन नेक्स्ट पेज। हैबिटेट्स ऑन अर्थ। आपने प्रीवियस लेक्चर में अर्थ पर डिफरेंट हैबिटेट्स के बारे में भी पढ़ा कि अर्थ पर डिफरेंट टाइप्स के हैबिटेट्स पाए जाते हैं, जैसे कि डेजर्ट्स, पोलर रीजन, रेन फॉरेस्ट, सी एंड रिवर। सिटी यानी कि शहर जहाँ पर हम रहते हैं, ये भी हमारी एक हैबिटेट है। इसी तरह से डेजर्ट्स, डेजर्ट्स किसे कहते हैं? सहरा को, यानी लैंड के, ज़मीन के ऐसे एरियाज, ऐसे इलाके जो बहुत ज़्यादा खुश्क होते हैं, जहाँ पर बारिशें बहुत कम होती हैं। कुछ हमारे डेजर्ट्स जो हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा रॉक्स पाई जाती हैं, कुछ पर माउंटेन पाई जाती हैं, और जो टेम्परेचर है डेजर्ट्स का वो डे टाइम बहुत ज़्यादा हॉट होता है और नाइट टाइम बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट पेज। टुडे आर टॉपिक इज पोलर रीजन्स, जो कि हमारे हैबिटेट का एक पार्ट है। आपने पेज नंबर 34, 35, 36 एंड 37 की खुद से रीडिंग करनी है। इसके मेन पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ जो आप रीडिंग में पढ़ेंगे। पोलर रीजन्स वो एरियाज होते हैं जो नॉर्थ पोल या साउथ पोल के पास होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा कोल्ड यानी कि ठंडे इलाके होते हैं। इन एरियाज़ का टेम्परेचर बहुत नेगेटिव यानी माइनस होता है, जहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते हम। अब पोलर रीजन्स में कुछ एनिमल्स भी पाए जाते हैं। अब वो किस तरह से सर्वाइव करते हैं? उनकी फर जो है बहुत ज़्यादा थिक होती है, जैसे कि पोलर बियर एंड पेंगुइन्स। पोलर बियर की फर जो है बहुत ज़्यादा थिक होती है और वाइट होती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को स्नो में कवर कर लेता है, छुपा लेता है, जिसकी वजह से वो प्रीडेटर्स यानी के जो उनका शिकार करने के लिए जानवर आते हैं, मारने के लिए, खाने के लिए, उनसे भी बचा रहता है। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट पेज। रेन फॉरेस्ट्स। रेन फॉरेस्ट का मीनिंग होता है बरसाती जंगल। रेन फॉरेस्ट डेजर्ट्स एंड पोलर रीजन के ऑपोजिट होते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। रेन फॉरेस्ट में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनको हमने डिवाइड किया गया है 4 मेजर लेयर्स में। अब क्यों इन्हें डिवाइड किया है? डिवीजन की वजह ये है कि इनकी हाइट के अकॉर्डिंग इनकी डिवीजन की गई है कि ये प्लांट्स या ट्रीज जो हैं ग्राउंड फ्लोर से कितनी हाइट पर पाए जाते हैं और कितनी सनलाइट एंड मॉइस्चर को जो है एब्जॉर्ब करते हैं। फर्स्ट लेयर जो है एमर्जेंट जोन है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में भी शो है। एमर्जेंट जोन वाले ट्रीज जो होते हैं बहुत ज़्यादा ग्राउंड फ्लोर से ऊंचे होते हैं, ऊंचे पाए जाते हैं, और सूरज की रोशनी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। सेकंड जो टाइप है वो है कैनोपी जोन। कैनोपी जोन के जो ट्रीज हैं वो एमर्जेंट से साइज़ में छोटे होते हैं और इन्हें प्रॉपर जो सनलाइट है वो इनके पास नहीं पहुंचती, इन्हें हासिल नहीं होती। थर्ड जो है वो टाइप है अंडर स्टोरी। अंडर स्टोरी जो हैं वो छोटे प्लांट्स होते हैं और इन्हें भी मॉइस्चर एंड सनलाइट जो है प्रॉपर नहीं मिलती, क्योंकि इनके ऊपर भी फर्दर ट्रीज होते हैं जिसकी वजह से इन्हें प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलती। फोर्थ टाइप है आपकी फॉरेस्ट फ्लोर, जो कि ग्राउंड पर प्लांट्स पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं। अब ये प्लांट्स जो हैं इन्हें तो बिल्कुल ही कम मिलती है सनलाइट, क्योंकि ये ग्राउंड पर पाए जाते हैं। ओके, आपने इनकी रीडिंग अच्छी तरह से करनी है। रीडिंग करने के बाद आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग राइट करने हैं पेंसिल से अपनी बुक पर। कुछ वर्ड्स के मीनिंग मैं आपको बता रही हूँ। एंड योर वर्ड्स आर नॉर्थ पोल,
कतब शुमाली, साउथ पोल कतब जनूबी, इंस्टेड की बजाय फर, खाल, फैदर, पर, जोन्स इलाके, एमरजेंट इसके दो मीनिंग्स हैं, हंगामी या फिर उभरती हुई। मैमल दूध देने वाले जानवर, कैनोपी छतरी, अंडरस्टोरी निचली मंजिल, रेप्टाइल्स रींगने वाले जानवर, मॉइस्चर नमी, जाइंट इसके दो मीनिंग हैं, देव या फिर बड़ा, इंसेक्ट्स कीड़े। ओके, आपने इन मीनिंग्स को अपनी बुक में राइट करना है पेंसिल से और इन्हें अच्छी तरह से लर्न करना है। आगे बढ़ते जाओ, पढ़ना है, रुकना नहीं। अल्लाह हाफिज़।